तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। जी हाँ, ओमिक्रॉन के चलते यूपी में नाइट कर्फ्यू की एक बार फिर से वापसी हो गई है। 25 दिसंबर यानी कल से फिर से शुरू हो गई है पाबंदी, यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जरा आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से यूपी में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू को लौटा दिया गया है। योगी सरकार ने 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही विवाह समारोहों में भी 200 से अधिक मेहमानों को बुलाने पर रोक लगा दी गई है, यानी अब लोगों को सीमित कर दिया गया है, इतने लोगों को ही बुलाया जा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ आदेश दिया कि कल से नाइट कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाए। रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी विवाह हुआ या सार्वजनिक आयोजन हुआ, इसमें कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों को भागीदारी की इजाजत दी गई है। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए लखनऊ में पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन के प्रति सचेत रहते हुए सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और अन्य जरूरी उपाय करने को कहा है। गौरतलब है कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, अब तक करीब 300 से ज्यादा केस आ चुके हैं। ऐसे में राज्यों में रोज आने वाले कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद भी बढ़ रही है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ताजा हालात पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा की, समीक्षा बैठक की, जिसमें कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपनी तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया राज्य सरकारों को। और इसी के तहत यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है, यानी क्रिसमस यानी 25 दिसंबर कल से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपके साथ शेयर किया गया है। इन सब पहलुओं को देखते हुए यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। तो अब फिलहाल आप नियमों का पालन करें। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।